बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसान विजय यात्रा निकाल, ये विजय यात्रा कृषि बिल वापस लेने को लेकर कही गई। इसी के साथ ही किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर किसानों ने गन्ने का बकाया भुगतान जल्द कराने की मांग की है। बिजनौर की तस्वीरें, जहां पर बीक्यू ने किसान विजय यात्रा निकाली, किसानों ने जमकर नारेबाजी की है। साथ ही साथ गन्ना भुगतान को लेकर यहां पर चर्चा की गई। साथ ही साथ कहा गया है कि किसानों का जो गन्ना का बकाया है उसका भुगतान जल्द से जल्द होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होता तब तक इस तरह के जो प्रदर्शन हैं वो जारी रहेंगे। तो ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे, यहाँ पर किसान नेता भारी संख्या में चर्चा करते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि किसान यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे और ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी जब तक किसानों का बकाया भुगतान नहीं पूरा कर दिया जाता। कानपुर देहात में आशा बहुओं और आशा संगनियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आशा बहुओं और आशा संगनियों ने काम के अनुरूप मानदेय न मिलने का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया। साथ ही जिम्मेदारों पर अनदेखी का आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही आशा बहुएं और आशा संगनियां मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं। वहीं आशा बहुओं और आशा संगनियों के धरना प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। कानपुर देहात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर आशा बहुओं और आशा संगनियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और धरने पर बैठ गई हैं। आशा बहुओं और आशा संगनियों ने काम के अनुरूप मानदेय न मिलने का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया और काम का बहिष्कार किया। साथ ही जिम्मेदारों पर अनदेखी का आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रही आशा बहुओं और आशा संगनियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है और कहा है कि जब तक उनका मानदेय नहीं बढ़ता तब तक वो काम पर वापस नहीं लौटेंगी। वहीं आशा बहुओं और आशा संगनियों के धरना प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। लखीमपुर खीरी जिले के संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे एक वांछित अभियुक्त को बहराई से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जिले के ही पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के दिशा निर्देश में गिरफ्तार वांछित वारंटी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी पलिया के दिशा निर्देशन में पुलिस को यह सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेज दिया है। लखीमपुर खीरी का यह पूरा मामला, जहां पर काफी समय से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। तो लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर का एक पूरा मामला है, जहां पर संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को बहराई से गिरफ्तार किया है। दरअसल जिले के ही पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के दिशा निर्देशन में गिरफ्तार वांछित वारंटी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी पलिया के दिशा निर्देशन में पुलिस को सफलता हाथ लगी। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभियुक्त को जेल भी भेज दिया है। काफी समय से इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं छोड़ पा रहा था। लेकिन जैसे ही ये पूरा यहाँ पर दिशा निर्देशन में ऑपरेशन चलाया गया, इस ऑपरेशन के तहत पुलिस को सफलता हाथ लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का विजय रथ मैनपुरी पहुंचा, जहां पर अखिलेश यादव ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने जो 6 रथ चलाए हैं वो चौमिन के ठेले जैसे हैं। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि सपा नौजवानों को नौकरी और किसानों के भले के लिए काम करेगी। हमको किसान को बचाना है, अपने सम्मान को बचाना है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि साइकिल की रफ्तार देख बाबा लाल रंग से डर गए हैं। मैनपुरी की तस्वीरें, जहाँ पर विजय यात्रा के दौरान सपा कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे हुए नजर आए। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव का विजय रथ मैनपुरी पहुंचा था, जहां पर अखिलेश यादव ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में जो समर्थक है वो नजर आए थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने जो 6 रथ चलाए हैं वो चौमिन के ठेले जैसे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सपा नौजवानों को नौकरी देगी, किसानों के भले के लिए काम करेगी। हमें किसानों को बचाना है, उनके सम्मान को बचाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साइकिल की रफ्तार देखकर जो बाबा हैं वो लाल रंग से डर गए हैं।
मथुरा में स्वच्छता पखवाड़े के समापन के मौके पर बाबू शिवलाल अग्रवाल डिग्री कॉलेज से छात्र छात्राओं की तरफ से रैली निकाली गई, जिसको कॉलेज के प्राचार्य ललित शर्मा और निगम के पार्षद तिलक वीर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां से स्वच्छता रैली की तरफ से मथुरा के लोगों को अपने आसपास सभी लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई है। मथुरा की तस्वीरें जहां पर लोगों को स्वच्छता के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। दरअसल मथुरा में स्वच्छता पखवाड़े के समापन के मौके पर बाबू शिवलाल अग्रवाल डिग्री कॉलेज से छात्र छात्राओं ने एक खास रैली निकाली। इस रैली में तमाम बच्चे मौजूद रहे। कॉलेज के प्राचार्य ललित शर्मा और निगम के पार्षद तिलक वीर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया, जहां से इस स्वच्छता रैली की तरफ से मथुरा के लोगों को अपने आसपास सभी लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई है। एक ये स्वच्छता सप्ताह के समापन पर एक स्वच्छता जागरूकता रैली हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं, एनएसएस कैडेट्स हैं, बीएड के विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई है, जिसका उद्देश्य समाज में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इस रैली के दौरान दो नुक्कड़ नाटक होंगे। महाविद्यालय से प्रारंभ होकर यह रैली महोली रोड, मालगोदाम रोड, गोपाल नगर होते हुए जनकपुरी से बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए यहाँ समाप्त होगी। दो नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे, जिनका मंचन गोपाल नगर में और जनकपुरी में होगा। मथुरा के गोवर्धन इलाके में सड़क निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि यहां पर चल रहे रोड के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने ठेकेदार की तरफ से मनमानी करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर बन रही नालियों में ठेकेदार की तरफ से एक ट्रॉली में मात्र एक सीमेंट ही डाला जा रहा है, इसके बावजूद यहाँ पर अभी तक आरसीसी का कार्य नहीं चला। और इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ठेकेदार ने स्थानीय नागरिकों को धमकाकर बोला है कि मेरी शिकायत करी तो काम कैसे चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो ऐसी तस्वीरें लगातार मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर ठेकेदार की दबंगई से ग्रामीण परेशान हैं। दरअसल यहां पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसमें अनियमितताएं लगातार देखी जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि यहां पर चल रहे रोड के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने ठेकेदार की तरफ से मनमानी करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर बन रही नालियों में ठेकेदार की तरफ से एक ट्रॉली में मात्र एक सीमेंट की बोरी मिलाई जा रही है, इसके बावजूद यहां पर अभी तो आरसीसी का कार्य चलेगा तब क्या होगा। स्थानीय नागरिक का कहना है कि ठेकेदार ने स्थानीय नागरिकों को धमकाकर बोला है कि मेरी शिकायत कहीं कर लो, जो काम जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। यानी कि ठेकेदार को किसी भी बात का डर नहीं है, भले ही वो अनियमितताएं कर रहा हो या गड़बड़ी कर रहा हो या फिर जो सामान है वो एकदम थर्ड क्वालिटी का लगा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे किसी बात का कोई भी डर नहीं है। समस्या ये है कि ये देखो, ये यहाँ पर ना 4 इंची लग रही है, पूरी दीवार 4 इंची लग रही है यहाँ पर, क्यों लग रही है? जबकि सेक्रेटरी साहब आए, एडीओ साहब आए और इसको जो है 9 इंची करके गए, ठेकेदार ने नाम उखाड़ी बिल्कुल, ये ठेकेदार की मनमानी चल रही है, मनमानी चल रही है और यहाँ पर सीमेंट ना लगा रहा बिल्कुल। क्या कुछ समस्या आपको? समस्या ये नाली सही ना चलनी चली जा रही, मसारो बिना चल रहे, ईंट सूखी चल रही है। मुजफ्फरनगर में जानसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए इन शराब तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में कच्ची शराब, शराब के ढक्कन और बारकोड बरामद हुए। साथ ही बताया जा रहा है कि शराब तस्कर कच्ची शराब को मार्केट में बेचते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। साथ ही इन शराब तस्करों के कब्जे से शराब में मिलाने वाले केमिकल भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार शराब तस्करों को जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जानसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए इन शराब तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में कच्ची शराब, शराब के ढक्कन, बारकोड बरामद हुए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि ये शराब तस्कर कच्ची शराब को मार्केट में बेचते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। साथ ही इन शराब तस्करों के कब्जे से शराब में मिलाने वाले केमिकल भी बरामद हुए हैं। करीब 26,000 ढक्कन बरामद किए गए हैं, बॉटल्स बरामद की गई हैं। देशी शराब को ही अंग्रेजी शराब में परिवर्तित करने के लिए जो फ्लेवर्स होते हैं वो फ्लेवर्स बरामद किए गए हैं। ढक्कनों की छपाई के लिए जो यंत्र की ज़रूरत होती है वो बरामद किया गया है।
बार कोड्स सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जो बार कोड्स करीब 500 बार कोड्स बरामद किए गए हैं जो इन लगा करके और इसको आगे बेचा जा रहा था। मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह मार्केट स्थित चर्चित पीपल के पेड़ के मामले में फिर नया मोड़ आया है। क्रांति सेना के पदाधिकारियों की तरफ से पीपल के पेड़ पर शिवलिंग की स्थापना की गई और श्रद्धालुओं को खीर का प्रसाद बांटा गया। आपको बता दें कि कई दिनों पहले पीपल के पेड़ को अज्ञात लोगों की तरफ से कटवा दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर जिले के हिंदूवादी संगठनों में रोष देखा गया और उन्होंने अपने अपने तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया, जिसमें मूलतः हिंदू जागरण मंच और क्रांति सेना ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है। मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह मार्केट स्थित चर्चित पीपल के पेड़ के मामले में एक नया मोड़ एक बार फिर से देखने के लिए मिल रहा है। पूरा मामला इसी से जुड़ा हुआ है। क्रांति सेना के पदाधिकारियों की तरफ से पीपल के पेड़ पर शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है और श्रद्धालुओं को खीर का प्रसाद भी बांटा गया। आपको जानकारी दे दें कि कई दिनों पहले भी पीपल के पेड़ को अज्ञात लोगों की तरफ से कटवा दिया गया था। इस पूरे मामले ने खूब तूल पकड़ा था। इस पूरे मामले को लेकर जिले के हिंदूवादी संगठनों में खासा रोष भी देखने के लिए मिला और उन्होंने अपने अपने तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था, जिसमें मूलतः हिंदू जागरण मंच और क्रांति सेना ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। सामाजिक तत्वों के द्वारा चौक पर स्थित प्राचीन पीपल के वृक्ष को खंडित किया गया था और यहाँ स्थापित शिवलिंग को तोड़ दिया गया था। आज क्रांति सेना के द्वारा उन्हें पीपल के वृक्ष की चार दीवारी कराकर वहाँ शिवलिंग की स्थापना करा दी गई है और भगवान भोलेनाथ की स्थापना प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के खैरपुर गुर्जर गांव की बेटी निधि खारी ने फ्लाइंग ऑफिसर बनकर गांव का नाम रोशन कर दिया। बचपन से ही निधि को कुछ बनने की लगन थी, इसलिए निधि खारी ने सरकारी बैंक में मैनेजर बनकर भी गांव का नाम रोशन किया था। फिर कुछ अलग दिखाने के लिए बैंक की नौकरी छोड़कर आज फ्लाइंग ऑफिसर बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। आज वो अपने गाँव पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गाँव में खुशी का माहौल भी देखने के लिए मिला है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर गाँव में ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा के खैरपुर गुर्जर गांव की बेटी निधि खारी ने फ्लाइंग ऑफिसर बनकर गांव का नाम रोशन किया। बचपन से ही निधि को कुछ बनने की चाह थी, लगन थी और इसलिए निधि खारी ने सरकारी बैंक में मैनेजर बनकर भी गांव का रोशन किया। लेकिन फिर कुछ अलग दिखाने के या अलग करने के लिए उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर फ्लाइंग ऑफिसर बनकर क्षेत्र का नाम फिर से रोशन कर दिया। आज वो अपने गाँव पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गाँव में खुशी का माहौल भी देखने के लिए मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा में लगातार चेन स्नैचिंग के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं। एक बार फिर चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया जहां पर कुछ महिलाएं सेक्टर में एक रेड़ी वाले से कुछ सामान खरीद रही थी, तभी बाइक पर आए दो स्नैचरों ने बड़े ही बेखौफ तरीके से महिला की चेन छीन ली और वहां से फरार हो गए। चेन लूटने की ये पूरी वारदात पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर चेन स्नैचिंग के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया जहाँ पर कुछ महिलाएं सेक्टर में एक रेहड़ी वाले से कुछ सामान खरीद रही थी, तभी बाइक पर आए दो स्नैचरों ने बड़े ही बेखौफ तरीके से महिला की चेन छीन ली और वहां से रफू चक्कर हो गए। चेन लूटने की ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रायबरेली में लालगंज के पुराने बस स्टॉप में स्वतंत्रता अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्य किए। वहीं कार्यक्रम के समापन के दौरान आरएसएस और बीजेपी के पदाधिकारियों ने वंदे मातरम का गायन भी किया है। रायबरेली की तस्वीरें जहां पर लालगंज के पुराने बस स्टॉप में स्वतंत्रता अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाए। वहीं कार्यक्रम के समापन के दौरान आरएसएस और बीजेपी के पदाधिकारियों ने वंदे मातरम का गायन भी किया है। रायबरेली में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है जहां पर ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच अनिवार्य कर दी गई है। पर रायबरेली रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच नहीं हो रही, पूरे तरीके से शासन के निर्देशों को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अनसुना किया जा रहा है।
रायबरेली की तस्वीरें, जहां पर शासन की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि रेलवे स्टेशन पर भी जो कोरोना की जांच है वो अनिवार्य है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, शासन के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। रायबरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में रायबरेली में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली, जहां पर ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच अनिवार्य कर दी गई, पर रायबरेली रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच नहीं हो रही है। पूरे तरह से शासन के निर्देशों को जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अनसुना किया जा रहा है। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में अपना दल पार्टी के हाफिज गुरफान अली महानगर अध्यक्ष ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर सीओ सिटी फर्स्ट प्रीति यादव पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। गुरफान अली ने डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर सीओ फर्स्ट प्रीति यादव पर धोखाधड़ी और साजिश करने वालों के साथ साठगांठ के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सहारनपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बार फिर से भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। दरअसल सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में अपना दल पार्टी के हाफिज गुफान अली महानगर अध्यक्ष ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर सीओ सिटी फर्स्ट प्रीति यादव पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। गुफरान अली ने डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर सीओ फर्स्ट प्रीति यादव पर धोखाधड़ी और साजिश करने वालों के साथ साठगांठ के भी आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में फिलहाल अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हिसाब से इसलिए मिलने आए थे कि थाना मंडी क्षेत्र में कुछ लोग, कुछ भूमाफिया हैं जिनके खिलाफ 20-25 मुकदमे दर्ज हैं। 17 मुकदमों की सूची भी हमने साथ लगाई और कई प्रार्थना पत्र उनके खिलाफ दिए। थाना मंडी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, फिर एसएसपी साहब को हमने दिए, एसएसपी साहब ने सीओ प्रीति यादव को उसकी जाँच दी। लगभग 4 महीने हो गए, हमने जाके बयान भी दर्ज कराए, उनके सारे सबूत भी उन्हें दिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर उनके उन्होंने 13 तारीख को फिर हमारा पीछा करा, फिर हमें धमकाया। सहारनपुर के थाना सरसावा क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने जंगल ग्राम जगहेता नजीब चोपड़ा बाग के पास हुई लूट की घटना को सफल खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से लूट के 70,000 रुपये नगद और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहारनपुर का एक पूरा मामला, जहाँ पर पुलिस ने बड़ी लूट का खुलासा किया। सहारनपुर के थाना सरसवा क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता ये हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने जंगल ग्राम जगहेता नजीब चोपड़ा बाग के पास लूट की घटना का खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से लूट के 70,000 रुपये, मोटरसाइकिल और कारतूस भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। थाना सरसावा क्षेत्र में अभी 23 नवंबर को एक घटना हुई थी, दिन दहाड़े एक लूट हुई थी। एक आदमी जो कमलदीप नाम का था, जनपद शामली का रहने वाला, वो बाइक से जा रहे थे, बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उनके ऊपर फायरिंग करके उनका बैग छीन लिया था। बैग में करीब 1,000 रुपया था और उनका टैप था और कुछ और कागजात थे। सहारनपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव शेखपुरा कदीम में तेलपुरा निवासी एक महिला की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि गृह कलेश के चलते महिला की उसके ही पति ने हत्या कर दी। महिला अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उसका पति घर जाने नहीं देता था, जिसके चलते महिला के पति ने महिला की हत्या कर दी। फिलहाल मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार पति की तलाश में जुट गई है। तो सहारनपुर का ये पूरा मामला है, सहारनपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव शेखपुरा कदीम का ये पूरा मामला, जहां पर महिला की हत्या कर दी गई। जानकारी मिल रही है कि गृह कलेश के चलते महिला के पति ने ही उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। देश में ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं अब देश में ओमिक्रॉन के करीब 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार ने बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों पर चिंता जताई है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। इसी बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को लेकर गाजियाबाद से हमारे संवाददाता ने डॉक्टर बी पी त्यागी से खास बातचीत की, इस दौरान क्या कुछ कहा सुनिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, ऐसे में चिंता बढ़ चुकी है कि क्या और भी इस तरह के केसेस आ सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी 28 के आसपास लगभग ऐसे केसेस आ चुके हैं। ये वो केसेस हैं जिनकी जांच हुई है,
लेकिन ऐसे भी बहुत से मरीज हो सकते हैं जिनकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है या फिर वो जांच के उस केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर जांच कराई जा रही है। ये तमाम बातें हैं और ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, इन चीज़ों के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे ओमिक्रॉन ये अब कितना खतरनाक बनता जा रहा है, जिस तरह से लगातार जो है केसेस सामने आ रहे हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो लगभग 150 के आसपास केसेस हैं और अगर दिल्ली की बात करें तो 30 वहां पर हैं और गाज़ियाबाद में भी 2 केसेस आ चुके हैं, तो कितना खतरा हो सकता है अब आगे? जो आज की सूचना है ओमिक्रॉन के बारे में वो ये है कि यहाँ जो 2 मरीज आए थे वो ठीक हो चुके हैं, 38 मरीज अभी तक कोविड पॉजिटिव निकले हैं, उसमें से 23 मरीज एक्टिव हैं। जो 23 मरीज एक्टिव हैं उनमें से 3 मरीज यहाँ के 3 अस्पतालों में दाखिल हैं। उनकी जो फर्दर जांच है कि ओमिक्रॉन है कि नहीं है वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो 23 एक्टिव मामले हैं उनमें ये जानना होगा कि ओमिक्रॉन कितना है। ये 7 गुना डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा फैलता है और इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है क्योंकि उसमें म्यूटेशन है तो ये इम्यूनिटी को भी पेनिट्रेट करता है। जो वैक्सीनेटेड आदमी हैं या जो वैक्सीनेटेड 18 साल से बच्चे हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। अब देखने वाली बात ये है कि जो बच्चे 8 से 17 साल तक के हैं जिनमें थाइमस ग्लैंड कम काम करती है उनमें ये इन्फेक्शन कितना तेज़ी से फैलता है, और अगर वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं जिनमें वो जैसे कैंसर की बीमारी आती है उसमें गुर्दे की बीमारी आती है उसमें हार्ट की और फेफड़े की बीमारी आती है, अगर कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसको ये ज़रूर होगा और होने के बाद उसको ये सीरियस बीमारी के रूप में आ सकता है, क्योंकि ये है तो कोविड ही और अगर ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा तो उनको ज़्यादा ये बीमार कर सकता है। तो जितने भी हमारे इस तरह के बुज़ुर्ग हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या जो 8 से 17 साल के बच्चे हैं उनको इससे बचना है, सावधानी रखनी है, ज़रूरी काम के बिना अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई और पहली लहर आई, अब तीसरी लहर के चांस हैं, तो क्या लगता है आपको जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं कब तक आ सकती है, अगर बात करें गाज़ियाबाद की या दिल्ली एनसीआर की? ये तीसरी लहर की शुरुआत है और ये तीसरी लहर पीक पे लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होगी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में इसका पीक रहेगा, और इसमें जो उम्मीद की जा रही है वो ये की जा रही है कि 8 से 17 साल के बच्चे ज़्यादा इन्फेक्शन ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। अच्छा, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, बड़े दिनों बाद स्कूल खुले हैं, बंद हो जाने चाहिए फिर दोबारा? मेरे हिसाब से जो मेरी पर्सनल राय है वो ये है कि स्कूल ऑनलाइन होने चाहिए, ऑनलाइन क्लासेज होनी चाहिए, वो क्योंकि अगर एक भी बच्चा ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन लेके एक घर में जाएगा तो वो बहुत तेज़ी से पूरे घर को इन्फेक्शन देगा और फिर आस पड़ोस में फैलेगा, तो अगर हम कंटेनमेंट जोन नहीं बनाएंगे तो पूरी कॉलोनी को इन्फेक्ट कर देगा। तो बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा लगातार गाज़ियाबाद में भी बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में तो लगातार इस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में ज़रूरत है आप और हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए, मास्क लगाएं और सैनिटाइज का भी उपयोग लगातार करते रहें और जितना हो सके उतना घर से कम बाहर निकलें और लोगों से सामाजिक दूरी भी बनाए रखें। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। संभल सदस्य सपा विधायक इकबाल महमूद ने शहर के शंकर भूषण इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कवि सम्मेलन मुशायरे पर आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये नई परंपरा है और इस आयोजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। बीजेपी के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल और हिंदू संगठन हिंदू जागरण मंच के संयुक्त नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आयोजन पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।
कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी महिला सभा की जूही सिंह पहुंची, जहां पर सपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं राष्ट्रीय सचिव समेत सपा के कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उद्देश्य कानपुर देहात में आने का, भोगनीपुर में आने का यही है कि हम महिलाओं, युवाओं और बहुत सारे जो हमारे बड़े हैं उनको जोड़े। और आज जी के माध्यम से मैं यहाँ आई हूँ। यादव जी के संगठन साथ में है और हम समाजवादी पार्टी में के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बन समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे, यही एक मकसद। ग्रेटर नोएडा में दनकौर पुलिस ने शराब तस्करी करने का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने एक वॉल्वो बस से अवैध शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि ये लोग बस में सवारियों की सीट के ऊपर एक अलग से बॉक्स बनाकर उसमें शराब रखते थे और हरियाणा से बिहार में शराब की तस्करी किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है।